नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। दिवाली और गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर नहीं होगी आतिशबाजी और दीपमाला, कहा सरदार अवतार सिंह मक्कड़ ने। भूकंप के झटकों से सहमे लोग, एसजीपीसी कार्यालय के कर्मचारी भी निकले दफ्तरों से बाहर। पंजाब के हालातों पर जल्द काबू पा लेगी पंजाब सरकार, कहा पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता अविनाश खन्ना ने। अब खबरें विस्तार से। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा है कि इस वर्ष गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व और दीपावली पर एसटीपीसी की ओर से ना तो आतिशबाजी की जाएगी और ना ही इस दौरान दीपमाला भी की जाएगी। वह आज अपने कार्यालय में पांच प्यारों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हालांकि इससे पहले वह बिना किसी से कोई बात कर जाना चाहते थे, लेकिन मीडिया कर्मियों की ओर से उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार खाली दिवाली तो नहीं होगी, लेकिन आतिशबाजी और दीपमाला भी नहीं की जाएगी। नो कमेंट, पेपर आ जाएगा, हुणे हुणे आ जाएगा। मैं कहा जी नो आतिशबाजी नो दीपमाला। काली नहीं, काली दिवाली नहीं। मैं कही असि किया जाएगा नो आतिशबाजी नो दीपमाला। गुरप्रो गुरु रामदास गुरप्रो से भी नो आतिशबाजी नो दीपमाला। बाल हो गए जी, हो गए, पता लग गया हो गए। आज अमृतसर में पंजाब के नव नियुक्त डीजीपी श्री सुरेश अरोड़ा सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए और उन्होंने गुरु घर में गुरु जी की इलाही बाणी और कीर्तन का आनंद मनाया, साथ ही सरबत के भले की अरदास की। इस मौके पर एसटीपीसी की तरफ से उनको सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर सरदार जितेंद्र सिंह औलख तथा पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद थे। मैं आज श्रद्धा के नाल उन्हें नतमस्तक होकर मत्था टेकन आया कि साढ़े पंजाबी भाईचारे की साढ़े पंजाब की खुशहाली कायम रहे और असी अपने अपने मकसद कामयाब हो सकी और जो भी साढ़ा पुलिस वालों एक साढ़े फर्ज पूरा करना बनता है वो असी पूरा कर सकते। मैं अज और सिर्फ मत्था टेकन आया हो के गल। अमृतसर में कल दो दिन का मेयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कि देश भर से आए मेयर साहिबानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कॉन्फ्रेंस में हर राज्य से आए मेयर्स ने अपनी स्थिति और दरपेश आ रही मुश्किलों पर भी विचार विमर्श किया। इस मौके पर पंजाब के निकाय मंत्री श्री अनिल जोशी मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित हुए और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आए मेयर्स ने अपने अपने इलाके में हो रहे कार्यों के बारे में और दूसरे शहरों के कार्यों के बारे में चर्चा भी की। कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग चर्चा करते हैं, अपने एजेंडे पर विचार करते हैं। मुख्य रूप से तो एजेंडा यही रहता है कि हम लोकल बॉडीज को कैसे मजबूत करें ताकि आम जन की जो अपेक्षा हम लोगों से रहती है उसके अनुसार हम काम कर सकें। उसको लेकर सरकारों को लेकर, चाहे प्रादेशिक सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, उसको लेकर हमारे कई सारे इश्यूज रहते हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको लाइन ऑफ एक्शन तय करते हैं। पूरे दुनिया का सीन है कि जो स्थानीय निकाय हैं उनको जो ताकत दी जानी चाहिए, जो अधिकार दिए जाने चाहिए थे, वो उनके पास नहीं है। सब है अलग अलग प्रदेशों के अपनी समस्याएं रहती है, उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग लाइन ऑफ कि स्थानीय निकायों को कैसे मजबूत किया जा सके ताकि आम जनता की अपेक्षाओं का काम कर सके। और उसके लिए प्रादेशिक स्तर की सरकारों से या केंद्र की सरकार से हम लोग संवाद स्थापित करते हैं और उसका समाधान का प्रयास करते हैं। देखो जी, वो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा ने इस करके अपनी पार्टी की वडियाई करना उन्हों का हक है, लेकिन मैं इन्ना जरूर कहना चाहाँगा कि दिल्ली वाले बड़े चावान लैके आए सी और अज दिल्ली वाले किसी पुछ के देखो तो पता लगता है कि किन्ने क दुखी ने वो आम आदमी पार्टी की सरकार तो। और जिस सूबे दे विच हुण दावा कर रहे हैं कि सब चंगा भी वो कर सकते हैं, वो सूबे ने उन्होंने चार एम पी जिता के भेजे सी और जिस तरह की पाटोधार आप दे विच देखने मिल रही है, वर्टिकल डिवाइड हो चुका है, दो एम पी एक पासे, दो एम पी एक पासे। सो इस करके मैं तो पंजाब दे विच ते जिहड़े दो एम पी अज
केजरीवाल साहब के नाल ने जिहड़े कल उन्हां दी कार भी चला रहे सी उन्हां दी टैलीफोन की कन्वर्सेशन तुसीं भी सुनी है मैं भी सुनी है। देखो जी मैं मानता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्हें इस दुखांत दे वेले इनू वोटां नाल जोड़ के नहीं देखी। सरकार साजिश नू बेनकाब करेगी लेकिन इन्नी तो गल सारे नू समझ आ रही है कि जदों सैकड़ियां साल तो हज़ारां जगह दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश सी जे उदों किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उहदी बेअदबी कर सके सारे श्रद्धा दे नाल झुकदे ही रहे ग्रंथ साहिब दे सामने ते पंजां दिनां दे जे सत्त अठ घटनावां हो जांदियां ते इहदे पिछे साजिश तां जरूर है। जिहड़े दोषी ने उहनां नू सख्त तों सख्त सज़ा दित्ती जाए चाहे सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए सरकार उन्हें जो जो भी धारा लगा सकती है क्योंकि यह सिर्फ बेअदबी का मामला नहीं है कितना कितने देश की एकता अखंडता के उत्ते भी कुठाराघात करने की कोशिश हुई है फिरकू भाईचारे को खराब करने की कोशिश भी हुई है। बहुत सारिया पार्टियां ने इस तरीके नाल इस दुखांत नू नहीं देखा और उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश जी है इन घटनावां नू लैके की है। उत्तर भारत में आए तीव्र गति के भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। लगभग 7.1 की तीव्रता से आए भूकंप के कारण गुरुनगरी के निवासी भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। स्कूल्स के स्टाफ ने भी तुरंत सभी छात्र छात्राओं को कक्षाओं से बाहर खुले मैदान में भेज दिया। वहीं कुछ इसी तरह की तस्वीरें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यालय और सचखंड श्री हरिमंदर साहिब पहुंचे श्रद्धालुओं में भी देखने को मिली। असी दफ्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में दास अविंदर सिंह वधी सकत्तर अपने दफ्तर से काम कर रहे थे तो एकदम महसूस होया भी जिदा बड़ा जबरदस्त झटका लग्या तो जो असी दफ्तर तो बाहर आए तो साडा तकरीबन सारे का सारा स्टाफ भी बाहर आ गया जो काफ़ी घबराहट महसूस कर रहा है। बाकी वाहेगुरू जी धन गुरु रामदास पातशाह की बख्शिश नाल सब कुछ ठीक ठाक है। पहला झटका काफ़ी जबरदस्त सी उस तो बाद जो सारा स्टाफ बाहर आ गया उदों झटके महसूस हुए पर इन्ने ज़्यादा नहीं पहला नालों घट। मेरा नाम मिसिस कविता वर्मा है और हम अभी रिक्शे पे से मार्केट से आ रहे थे। हमारा रिक्शा पूरी तरह से हिल गया। यहाँ पीछे पुरानी मार्केट है वो सारी बिल्डिंग ऐसे हिलने लगी टोटल और जो देखा तो एक बंदर बेचारा दब गया किसी गाड़ी के नीचे। एक्सीडेंट हुआ यहाँ अभी पीछे तो भगवान का वाहेगुरु का बहुत बहुत शुक्रिया है कि सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं तो सारे लोग बाहर थे करीब 500 लोगों की तादाद गोल्डन टेम्पल के बाहर खड़ी थी। आज तकरीबन 2:40 से भूचाल के झटके पहला निके निके महसूस होए तो फिर दम झटके बड़े महसूस होए तो अं स्कूल के जिन्हें बच्चे ही वो अपने सारे बच्चों बाहर करके ग्राउंड लैन का तो इंज लगता कि बहुत व्डा भूचाल आया कोई कम से कम 40 सैकंड 1 मिनट तो वह भूचाल आया बहुत जबरदस्त झटके लगे एक अंदर लगे मुड़के अं जो बाहर आ गए उदों ही बाहर भी भूचाल आया। ये मेरे हिसाब न बहुत स्पीड से ही कोई काफ़ी नुकसान भी होया होगा दूर लेकिन इलाके क्योंकि आम बिल्डिंग डिग सकती हैं बहुत नुकसान वाडा हो सकता। मैं अपनी क्लास अपने ऑफिस च बैठी सी ते अचानक एकदम भूचाल आया झटके लगे असी जल्दी जल्दी बच्चे जो स्टडी कर रहे सी उन्हां नू फटाफट असी बाहर ग्राउंड च लैके आए और सारे बच्चे हुण इस टाइम बाहर नहीं साडे और सेफ नहीं। मैं नए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई है उसे रोका जा सके और आने जाने वाली संगत पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। ये जिक्र योग है कि श्रोमणी कमेटी के प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़ ने भी पूरे पंजाब में गुरुद्वारा साहिब में नए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की बात कही थी। मेरा नाम जगबीर सिंह है चेयरमैन इंटरनेशनल फतेह अकैडमी जंडियाला गुरु जो कि पिछले दिनों दे विच बहुत ही सोची समझी साजिश के अधीन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की बेअदबी हुई है जिहदे विच कि बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़ा है सिखां दे मनां दे विच रोस जागिया ते हर एक माई भाई का हिरदा वलुंदरा गया। इहदे विच एड्डा वड्डा पाप होया साडी धरती दे उपर कि जो कदी भी जिंदगी दे विच कदी भी इतिहास च कदी भुलाया नहीं जा सकता। सो इस दिन नूं इस वेले दे विच सानू सबक लैण वास्ते असीं छोटा जिहा उपराला कीता कि तां जो सारे गुरद्वारे गुरधाम जिन्ने साडे ने सीसीटीवी कैमरियां दे अंदर जिहड़े ने उहनां दे विच प्रबंध कीते जाण अगर कोई शरारती अंसर कोई ऐसा कारा करे तो उन्हें असी पकड़ सकीए उन्हें सजा दिती जा सके। वर्तमान जिहड़े बंदे दी गैरत मर चुकी है उन्हां नूं मरी जमीर वालियां नूं सजा देण वास्ते एक सख्त तों सख्त कानून पैदा करो जिहड़ा कि उस कानून दे राहीं उहदे गैर जमानती वारंट जारी। बंदे ने इक पिंड है साडे लागे इत्थे एग्जाम्पल ही है जिस पिंड दे विच 26 गुरद्वारे है 26 गुरद्वारे सो उह चीज़ां दी अपने आप ही साडी आप असीं इह साडा ना कोई कंट्रोल आ ना कोई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कंट्रोल है अकाल तख्त साहब का कंट्रोल है
कि जिहड़ा बिना वजह अपने आप गुरद्वारा खोल के अपने महल्ले का दोवां परिवारों का चौवां परिवारों का खोल के बैठ जाते हैं उन्होंने कोल फिर ना उन्होंने बाणी पढ़नी आती है ना बाणी का जाप करना आता फिर वह ग्रंथी सिंह रखते हैं ग्रंथी सिंह जिहड़े ने वह सारे अनप्रोफेसनल होंगे ने उन्होंने खुद नहीं बाणी पढ़नी आती तो जिहड़े बंदे नूं कोई कारोबार किता नहीं मिलता वह उठ के पाठी सिंह बन जाता सो इन सारी मूव टोटल असी एक गुरद्वारा साहब के चार कैमरे लगवाए हैं डी वी आर ला के नाल एल सी डी लगा के दी है जिहड़े साढ़े मौजूदा उतों के ग्रंथी सिंह ने उन्होंने घर नाल ही घर सीगा उह दे च एल सी डी लवाई है तां जो रात नूं भी वाच करता रहे उत्थे बाकी उस पिंड दे विच देवीदासपुरा दे विच एक होर गुरद्वारा साहब आ जिहदे विच असी उत्थे भी लगवा रहे हैं तो एक मुहिम चला रहे हैं कि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं नाल च चाहुंदे आ कि उह भी सहयोग करन जिहड़े गुरद्वारे कई ऐसे ने जिन्हां दे विच माइक सहायता नहीं गी तो सारे के सारे गुरुद्वारे साहब दे विच ये प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे का जिहड़ा प्रयोजन किया जा सके। पंजाब में जो कुछ घटित हुआ है वह काफी दुखद है लेकिन पंजाब सरकार जल्द ही इन हालातों पर काबू पा लेगी और पंजाब में फिर से अमन शांति की बहाली होगी ये कहना है पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी राय खन्ना का। वह आज यहाँ ऑल इंडिया मेयर की 108वीं कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उनके अलावा इस मौके पर पहुंचे जम्मू के मेयर का कहना है कि कुछ विदेशी शक्तियां पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसी सीमावर्ती राज्यों में अशांति फैलाना चाहती हैं, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसीज विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए लोगों को ऐसी घटनाओं पर संयम से काम लेना चाहिए। ऐसा है कि जो मेरा मानना है कि जो हमारे स्थानीय निगम रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। 73rd और 74th अमेंडमेंट पंचायतों के लिए और ख़ास करके शहरों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कॉरपोरेशन सेल्फ सफिशिएंट बने अपने आप में वो केंद्र सरकार पर राज्य सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए, इस प्रकार की मेरी सोच है। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से मुझे लगता है कि पूरे देश के 100 शहरों को यहाँ पर अच्छे शहर बनाने की जो घोषणा की गई है मुझे लगता है कि जल्द ही उस पर काम होगा। जो मेरी जानकारी में आया है तो कुछ लोगों उन्होंने जो अपनी मोबाइल पर वार्ता उनकी आपस में हुई है वो गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा है, तो ये साफ जाहिर हो गया है कि कुछ ऐसी ताकतें जो ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कैनेडा वगैरह देशों में बैठी हैं वो इस प्रकार का प्रयास कर रही हैं कि यहाँ का जो भाईचारा है वो डिस्टर्ब हो। पंजाब में हिंदू सिखों का बहुत एक आपसी प्यार रहा है, लेकिन इससे पहले भी कुछ इस प्रकार की जो घटनाएं हुई वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, आगे से ऐसा ना हो ये सरकार को इस पर सोचना चाहिए। देखो समय समय पर सरकार चलाने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता है उसके लिए सरकारें इस प्रकार के निर्णय लेती हैं, मुझे लगता है ये निर्णय भी उसी तरह से एक निर्णय है। देखिए मेयर्स फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी होते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सब मेयर्स के ऊपर होती है। एक बहुत मेयर को मेहनत से और लोगों के मन की जो बात है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। जो 3-tier सिस्टम है देश का, एमपी, एमएलए और लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी सब ड्यूटी पूरी करके काम करेंगे तो जो देश का विकास, देश की विकास की गति बहुत तेज होगी। तो मेरा आज के यहाँ यही मैसेज था कि जो मेयर होता है वो एक अपने सिटी का हेड होता है, उसको उस ढंग से ही व्यवहार करना चाहिए, डील करना चाहिए और उस ढंग से ही प्लानिंग करनी चाहिए। मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपनी सरकार के ऊपर विश्वास रखें। हमारी पुलिस, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, जो भी लोग ऐसी घटनाएं में लिप्त हैं उनको पकड़कर कानून का रास्ता जो है उसके हिसाब से उनको पूरी सजा दिलाने में काम करेंगे। जिला देहाती कांग्रेस कमेटी के प्रधान सरदार गुरजीत सिंह औजला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने 9 सालों में पंजाब का सत्यानाश कर दिया है। बादल ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहिब को ढाल की तरह प्रयोग किया है। 5 प्यारों का सिख धर्म में उच्चतम स्थान है, लेकिन 5 तख्तों के जथेदारों ने राजनीतिक दबाव के चलते 5 प्यारों को ही मुअत्तल कर दिया था। कहा कि एसटीपीसी सारे काम ठेके पर करवाती है जिसमें प्रधान का कमीशन भी रहता है। उन्होंने कहा कि एसटीपीसी के सदस्य भी अपने जमीर की आवाज को सुने और इस्तीफा देने का कारवा जारी रखें। आज दी जड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सी जड़ी पिछले समय हालात अपने पंजाब दे बने ने ओदे संबंध च सी
मैं कहना चाहना कि पांच प्यारे जिहड़े सर्वोच्च ने साडे कौम दे भी सिख कौम दे भी और जिहड़े हमेशा ही साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं लीड करदे आ और जदों भी कदी कोई झमेला पवे जां कोई प्रॉब्लम आवे ते ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਧਰਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਵੀ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਕੜ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਗਿਆ ਪਰ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਆ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਫੇਲ ਆ DGP ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1400-1500 ਪਰਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਲਾ ਮਜੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕੇ ਦੀਏ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ SC/CEL ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ VK ਸਿੰਘ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਮਕਰ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ VK ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ SC/CEL ਕੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੈ ਵਹਿ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਹਮ ਮੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ VK ਸਿੰਘ ਕੋ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ SC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਗਰਨੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਾਂਗੇ VK ਸਿੰਘ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਟ ਦਿਵਸ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਡੇਰਾ ਉਪਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਲਮੀਕ ਸਤਸੰਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਵਾਲੇ ਔਰ ਭਜਨਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਮੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਤਕਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ 4 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਥਾ ਉਨ੍ਹੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਬਾਬਾ ਬਿੱਟੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਜੀ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਆਦਿ ਉਪਸਥਿਤ ਥੇ। ਮੈਂ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਆਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ
मैं वाइस प्रेजिडेंट हूँ पंजाब और भारतीय जनता पार्टी मनोटी मोर्चा जिले का अमृतसर का प्रधान, और मैं यहाँ पर आया हूँ अपना वाल्मीकि श्री वाल्मीकि महाराज का प्रकट दिवस मनाने के, उसमें तो यहाँ पर शरणजीत बराड़ जो है वो ये समागम करवा रहे हैं। इनकी कमेटी है, सोसाइटी है, बहुत अच्छे काम कर रही है। आज इन्होंने यहाँ पे चार लड़कियों का शादी करवाया है और बहुत अच्छा इन्होंने काम करवाया है। इन्होंने हम सब ने मिलजुल कर इसमें बहुत साथ दिया है और ये हमेशा हर अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके लिए हम हमेशा साथ हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम रहा है इनका, पूरी जो सेवा सुनती है इनकी, इन्होंने पूरा साथ दिया, हमारा सबका साथ दिया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और चलेगा आगे भी। हमने इनको यही कब बोला कि आगे बढ़ चढ़ कर इससे बढ़कर करें। आज चार लड़कियों शादी का करा, गरीब लड़कियों का कल आगे ये 10 लड़की 11 लड़के करें और इसमें हम सब मिलजुल कर साथ देंगे। महर्षि भगवान वाल्मीकि सर्व संघ केंद्र वालों चार लोड़वंद लड़कियों का विवाह किया, घरेलू सम्मान भी दिता। असी उम्मीद करते हैं कि आते महाराज वाल्मीकि प्रगट दिवस से होर वध चढ़ के लोड़वंद लड़कियों की मदद करिए। तो असी उम्मीद अपने वीर सारे जिन्हें पत्रकार भरा है सारे का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने अपना कीमती समय कर दिया। आज गुरदासपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 2.45 पर आंकी गई। इस भूकंप के चलते लोगों में डर का माहौल बन गया और लोग अपने घरों से बाहर आ गए। करीब 30 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। लोगों के घरों में लगे पंखे और गाड़ियां भी हिलती हुई दिखाई दी। हुणे थोड़ी देर पहले असीं बैठे हुए सी रूम दे विच, एकदम बड़ी वो बिल्डिंग हिली है ते भूचाल आया सीगा ते असीं सब निकल के बाहर आए ते काफी लोग बाहर आए हुए ने और एकदम दहशत दा माहौल बन गया, लोगों को डर लगन लग पिया और मेरे ख्याल च ईश्वर करे कि सब जगह ठीक ही होया, कोई नुकसान ना होया। मुख्य संसदीय सचिव डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू का कहना है कि जिन लोगों ने दिल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी पर अपना इस्तीफा दिया है उनका स्वागत है, लेकिन जिन लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शाए गए रस्तों के विरोध में काम किया वह इस्तीफा दे रहे हैं तो लोग ऐसे नेताओं पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शांतमय ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाना कहां तक जायज था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे शांत रहें और पंजाब में अमन शांति बनाए रखें। जिन्होंने दिलों सोच के इस गल ते इस्तीफा दिता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल बेअदबी हुई है, उन्हां दे नाल तां असीं खड़े हाँ क्योंकि साडे सारिआं दे दिल बहुत दुखी होए हैं। असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं ही लाइव गुरु मन्निआ हमेशा, इसलिए साडे मन ते बहुत वड्डी ठेस है। पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जो लिखिआ होइआ है, जो सानूं पढ़ाया गया बचपन तो, जो सानू सिक्ख्या गुरुआं ने दिती है, जदों असी उहदे खिलाफ चल रहे सी, जदों पंजाब दे हालात बना रहे सी जिथे असी लोकां ते झूठे परचे करवा रहे सी, जमीना दब रहे सी, कोई बंदा अपनी तकलीफ दसना चाहुंदा सी, असी उहनूं सुन नहीं सी रहे, ते उदों इह लोक किथे सी। अज बहुत अच्छी गल है रिजाइन कर रहे हैं, पर उदों तुसीं किथे सी, उदों तुसीं पार्ट एंड पार्सल सीगा इस सिस्टम दे। सो अज इस्तीफा भी दिंदे हो तो लोग इस गल नूं मनना नहीं चाहुंदे, उह कहिंदे तुसीं पहलां तां सारे धक्के कीते जो गुरु साहिब ने कहा उह तां तुसीं मन्निआ नहीं, ते अज चलो तुसी ग्रंथ साहिब जी ते ओ होए तो सिस्टम ने गलत कीता ना, शूट क्यों कीता? ओ दो बंदियां ने की प्रोटेस्ट कीता भी साडे ग्रंथ साहिब जी नूं हाथ लाया, ओदी बेअदबी हुई ते बहुत वड्डी गल सी, ते प्रोटेस्ट कीता तां प्रोटेस्ट कर रहे सी ते गोली क्यों चलाई, मारिया क्यों? सरकार ने थ्रू आउट ही मैं थानू दस्या है प्रॉपरली नहीं ये गल्लां नूं हैंडल कीता, जिहड़े भी अकाली दल दे विच थोड़ा जा एक गंदा दल जिहड़ा नवां आ गया सीगा, एक जिहड़ा गुंडा दल मैं कहनी हाँ, उहनूं पहलां ही पासे रखना चाहीदा सीगा, बिकॉज अकाली दल सिखां नूं रिप्रजेंट करदा, उस बहुत चंगे लोग भी सीगे पंजाब दे हितां लई जिन्हां ने शुरू तों स्टैंड लिता, पर उहदे विच एक गुंडा दल आया जिन्हों शुरू तों कंट्रोल करन दी बहुत जरूरत सी, जिन्हें पंजाब नूं बदनाम किया। सो उदों ही साडे वर्गे लोकां दीआं सगों गल्लां सुन के उहनां नूं दूर रख दे जो गलत हो रहा सी पंजाब दे विच, असी उहदे बारे गल कर रहे सी, ओ सानू साडे नाल बैठ दे, उहनू डिस्कस कर दे, ओ लोकां नू दूर रख दे जिहड़ी छवि खराब कर रहे सी पंजाब दी, उहदा सोच दे। हुण तां बहुत बियॉन्ड कंट्रोल चले गया क्योंकि हर बंदे नू आफ्टरऑल किन्नी देर बंदियां नू तुसीं बेवकूफ बना सकदे हो। पंजाब नू चंगे लोकां दी लोड़ है, कोई भी पार्टी अपने आप नू इन्नी नीट एंड टाइडी प्रूव नहीं कर सकती, उहनां दी अपनी पार्टी दे विच की हो रहा है उह सारिआं नू दिल्ली दे विच पता है। सो जिहड़ी भी पोलिटिकल पार्टी आवे 117 बंदे चंगे चाहीदे आ, उह अपना एक सरूप अपना एक निष्ठा नाल आवे कि असीं लोकां दी सेवा करनी है, पंजाब नू इस गंज चों कढ़ना है। कुछ दिन पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ हुई बेअदबी को लेकर श्रोमणी अकाली दल के जनसकत्र और एक्स काउंसलर डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह कुमन
सर्कल प्रधान प्रिंसिपल कुलदीप सिंह और प्रेस सकत्र अमृतपाल सिंह बबलू की अध्यक्षता में वार्ड नंबर 18, 19 और 28 के निवासी तथा अकाली दल के 50 के करीब समूह अहदेदारों ने श्रोमणी अकाली दल से इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब के बुरे हालातों को देखते हुए पंजाब निवासियों और खास तौर पर सिख कौम को बहुत पीड़ा महसूस हुई है, इसलिए मोकमपुरा सर्कल के समूह अहदेदारों ने अपने इस्तीफे दिए हैं। है कुलदीप सिंह, प्रधान सर्कल मोकमपुरा श्रोमणी अकाली दल। पिछले कुछ दिनों पंजाब विच माड़ियां दुर्घटनावां होईयां, जिन्हां दे नाल पंजाब दी समूह इलाका निवासियां दे जिहड़े हिरदे जिहड़े आ उह दुखदाई होए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बेदबी होई, पंज प्यारियां दा निरादर कीता गया। इस तों इलावा शांतमई रोस करदे होए शहीद सिंह होए, जख्मी सिंह भी होए, जिस दे नाल समूह पंजाबी दुखी है। और असी पार्टी दे अहुदेदार हुंदे होए भी अपने आप नूं मजबूर जिहा महसूस कर रहे हैं, और ये पीड़ा साढ़े कोलों देखी नहीं जा रही। असी सर्कल मोकमपुरा दे समूह अहुदेदार वार्ड नंबर 18, 28, 19 दे समूह अहुदेदार, सर्कल दे अहुदेदार और इन्हां वार्डां दे विच निवासी जिला पद्धर दे अहुदेदार सारिया ने एकत्र हो के ये मत किया है कि अगर असी इन्हां लोकां दे हिरदियां दे उत्ते मरम नहीं लगा सकते तो सानू अपने अहुदियां दे विराजमान रहण दा कोई अधिकार नहीं है। सो असी नैतिकता दे तौर दे उत्ते ये अपने अस्तीफे प्रधान जी नूं दे रहे हैं। असी ये विच अपने आप नूं भी सानू इंज लगता कि जिवें असी भी दोषी बनते जा रहे हैं, और असी इस दोष दा दोषी होण दा हिस्सा बनना नहीं चाहते। नहीं जी, असी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे। असी साडे समूह अहुदेदार बल्कि बहुतात अहुदेदार जिहड़े ने उह जन्म सिद्ध अकाली ने, साडी रूह अकाली है, पर अज दे हालात सानू अज पार्टी नाल चलण तों परे होण ते मजबूर करदे पए आ। असी इस करके किसी होर पार्टी नाल नहीं तुरन दा कोई मन नहीं है, पर समाज सेवा जिहड़ी है उह असी करदे रहांगे। मैं डॉक्टर जतिंद्रपाल सिंह घुम्मण, एक्स कौंसलर ते जनरल सकत्तर श्रोमणी अकाली दल जिला शहरी। जो पिछले हालात बीते आ कुछ दिनों विच, जिहदे विच मतलब कि गुरु महाराज की मतलब साडे ग्रंथ साहिब की बेदबी हुई, पंजां प्यारिआं दा मतलब कि ये को जो हालात होए आ उहदे तों दुखी हो के असीं अपने अहुदे ते मतलब त्याग रहे हां, तो अस्तीफा दे रहे हैं। पंजाब अहुदेदारां नूं दित्ते आ, होर भी कुछ जे बाहर गए आ उह भी नाल ही ने सारे जिहड़े। पंजाब राज्य सरकार की तरफ से शराब बेचने की तय कीमतों से कम दाम पर शराब बेचने पर आबकारी विभाग की तरफ से बताया कि शराब के ठेकेदार विक्रम वाइन ग्रुप के सभी शराब के ठेके एक हफ्ते के लिए सील किए गए हैं। इस पर जब हमारे पत्रकारों की टीम द्वारा आबकारी विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिला गुरदासपुर के बटाला शहर में विक्रम वाइन ग्रुप के ठेकेदारों के 54 ठेके सील किए गए हैं। बताया कि इन ठेकों को इसलिए सील किया गया है क्योंकि पंजाब सरकार की आबकारी नीति के मुताबिक तय किए गए शराब बेचने के दामों से कम दाम पर ये ठेकेदार इन ठेकों पर शराब बेच रहे थे, जिस वजह से इनके खिलाफ आबकारी विभाग की विशेष टीम ने चलान काटे थे। आज सवेरे सानू एक आर्डर मिला साडे उप आबकारी ते कर कमिश्नर अमृतसर मंडल जी ने कि इन्हां ते अज तो कुछ दिन पहला एक टीम आई सी चंडीगढ़ तो, उन्होंने इन्हों का चलान किया। सरकार वालों निर्धारित किए गए रेट जोड़े से उन्होंने तो घट रेट से शराब देने और बिना किसी पास परमिट तो, वो करके इन्ह का चलान होया जी। और उन्होंने अच्छ सूँ हुक्म दिता जी, जिदे करके अब साढ़े सहायक आबकारी कर कमिश्नर गुरदासपुर की निगरानी हेठ बटाले विक्रम वाइन के जिन्हें भी ठेके से उन्होंने असी सारे सील कर दिया। टोटल है L2 ते L14, वो है करीब सारे दुकाना जो 32 ने, लेकिन L2 और L14 जो है चली। जुर्माना वेखो ये हूँ तो जरा जुर्माना तो जो अपील करे तो निर्धारित करेगा या तो कमिश्नर साहब करेंगे, तो ये बारे नहीं अस सकते, लेकिन जो हूँ है वह 7 दिन ठेके जो बता। हाँ, कल वो आई सी अपने एक मैडम ने साडे सहायक आबकारी कर कमिश्नर ने, उन्होंने एक कमेटी बनाई सी, वो कल आए सी इनक्वायरी कर,
और इंक्वायरी जी उन्होंने मैडम दे दी है वो अगली कार्रवाई जी सहायक अधिकारी कर कुछ ना कर। श्री दुर्गियाना तीर्थ के नजदीक स्थित हिंदुस्तानी बस्ती के एक घर में बीती रात आग लग गई जिसके चपेट में एक 6 वर्ष की बच्ची आ गई। दरअसल हिंदुस्तानी बस्ती निवासी राकेश कुमार मेहनत मजदूरी करता है और उनकी 3 बेटियां हैं। वह अपनी पत्नी के साथ सब्जी लेने गया था और इसी दौरान घर की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आसपास के लोगों ने जब घर से धुआं निकलते हुए देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। जब तक राकेश कुमार और इलाके के लोग ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तब तक 6 वर्षीय दीक्षा आग की चपेट में आ चुकी थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस पर चौंकी दुर्गियाना तीर्थ के इंचार्ज ASI हरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है तथा शव को कब्जे में ले लिया गया है। 2 मिनट अपने घर वाले ने सब्जी लेने गई मुआ ठोके चल गई मैं क्या उड़े आ जाना वा मेरा अंदर तो सारे आग हो गए मेरा आग गई मैंने तो कुछ नहीं पता मैं तो सिलेंडर भी बंद करके गई थी ना चिकन तो मैं सिलेंडर भी बंद करके रख दिया। सानू तलाब मिली सी कि हिंदुस्तान बस्ती के बीच जड़ी अग लगी है। जब असं मौके पर पहुंचे हैं फायर ब्रिगेड वगैरह आए सारे सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंचे जब देखा वा तो बिजली का सर्किट शार्ट होने करके अग लगी पाई गई है। उसके विच एक लड़की जी वड्डी सी 6 साल की दूसरियां 2 लड़कियां उस तो छोटी 3 साल की एक लड़की जी करीब साल तो भी छोटी है। वड्डी लड़की ने आप खुद मतलब उन्होंने बचाने की कोशिश की पर आप ज़्यादा सुख सी ज़्यादा अग लगन करके वो मतलब दर्द ना सहारती हुई जिनकी डैथ हो चुकी है। दूसरिया दोनों जड़िया हम ठीक ने उन्होंने स्टेटमेंट लिख रहे हैं जी असं अपने जो लोगों ने बचाया इन्होंने उन्होंने स्टेटमेंट लिख के जी बनली कर रही कर रहे हैं। एकता मंच वेलफेयर सोसाइटी जसपाल नगर सुल्तानगंज में सरप्रस्त बलविंदर सिंह बिल्ला की तरफ से समूह इलाका निवासियों के साथ गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा में सरबत के भले और पंजाब की अमन शांति के लिए 104 सुखमनि साहिब के पाठ करवाए गए जिसमें संगतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। इस मौके पर प्रधान बिल्ला ने बताया कि जो पंजाब में बीते दिनों हुआ है उस संबंध में सुखमनि साहिब के पाठ करवाए गए हैं। सुखमनि साहिब के पाठ करवाए गए हैं। ये पाठ आज 104 पाठ करवाए गए रखा तो 101 पाठ का ही पर गुरु महाराज की बख्शिश हुई है। ये जिहड़े पाठ एकता मंच वेलफेयर सोसायटी वालों करवाए गए सरबत के भले वास्ते असीं यह कामना करते हैं कि सरबत का भला होवे जिहड़ा पंजाब दे माहौल चल रहे हैं। महाराज सारे पंजाब नूं ही उस नरक तो उस गेड़े तो कढ़े ते इस सोसायटी ने अज 151 मैंबरी कमेटी इस्त्री विंग घोषित की है ते पुरश विंग की 401 मैंबरी 451 मैंबरी कमेटी अज तक साढ़े कोल टोटल 1204 मैंबर हो चुके हैं। बस इहो ही कामना करते हैं गुरु ग्रंथ साहब अगे कि सरबत का भला करे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। अज जसपाल नगर जोध नगर गुरनाम नगर एकता वेलफेयर सोसायटी वालों 104 सुखमनि साहब के पाठ कराए गए हैं। इन्हों का मेन मंतव्य है जो पंजाब माहौल खराब हो रहा है गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई है पश्चाताप दे गुरु साहब सारे समर्थ बख्शन इस करके पाठ कराए गए हैं। एकता वेलफेयर सोसायटी वालों जो बिल्ला प्रधान सरदार गुरविंदर सिंह बिल्ला सरप्रस्त ने इन्हों चल के साथ समूह साध संगत ये जपजी साहब के अंदर पाठ चल रहे हैं सुखमनि साहब के। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। अमृतसर के गांव बासर के पैनी में कुंदी बिरादरी के द्वारा एक विशाल धार्मिक सम्मेलन करवाया गया जिसमें कुंदी बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया। दरअसल बड़ी अम्मा जी के नाम से ये मंदिर कुंदी बिरादरी का पूरे भारत में एक ही मंदिर है और ये एक सती माता जी का मंदिर है जहां प्राचीन काल में माता रूका जी अपने पति के संस्कार के साथ ही सती हुई थी। वहीं यहां आए लोगों का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। यहां आने से हर किसी की मनोकामना पूरी होती है और इस दरबार में सालाना धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके साथ ही यहां पर बेटियों की पूजा की जाती है और उनको भोग करवाए जाते हैं। ये जी साढ़े कुंदी बरादरी का जठेरे ने वड्डी अम्मा जी इतने असं हर साल माता जी का भंडारा करते हैं। इतने महामाई के दर से इंदौर तो दिल्ली तो दखलऊ तो बहुत दूरों दूरों तो इतने संगत आदियाँ इतने सब दिन आसा मुरादा पूरी होंदिया। ये माता जी सती हुए ने जी ये अपने जो इन्हों कि अपना इन्होंने पति जोड़े उन्होंने डैथ हुई है उन्होंने नाल ही ये संस्कार होना जीवद ही सती हुए ने अपने आदमी के नाल। ये और साढ़े कुंदी बरादरी के लड़की से
देखो जी ये तो जिनी कि मेरी उम्र है मेरे तो भी पहलों की मेरे बजुर्गों तो भी पहलों का देखो जी जो सानू किसी ने इतिहास दसिया साढ़े बजुर्गों ने असं तो वे चलते पे हाँ कि सती आ और मड़ी करने वाले सीगे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिवाली और गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर नहीं होगी आतिशबाजी और दीपमाला, कहा सरदार अवतार सिंह मक्कड़ ने। भूकंप के झटकों से सहमे लोग, एसजीपीसी कार्यालय के कर्मचारी भी निकले दफ्तरों से बाहर। पंजाब के हालातों पर जल्द काबू पा लेगी पंजाब सरकार, कहा पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता अविनाश खन्ना ने। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं, कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।